जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण के संदर्भ में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कोई वस्तु उत्तल दर्पण के संदर्भ में कोई वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, अगर दर्पण के ध्रुव की बात कर दिया तो ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है? दर्पण पर ही होता है, मतलब बहुत दूर या बहुत पास होता है, बहुत दूर नहीं होगा, ठीक ना। ये जो अनंत तथा दर्पण ध्रुव का है बोला, क्योंकि इस तरफ की बात कर रहा है ना, इस तरफ जो है थोड़ा सा भी बाहर हुए आप, क्योंकि मेन एक्सिस जो है सही लाइन किधर होता है? अंदर की तरफ होता, बाहर की तरफ नहीं होता। पॉलिश वाले भाग की तरफ इसका जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होता है, अंदर की तरफ होता, बाहर की तरफ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है जरा सा भी बाहर गए तो इसके लिए अनंत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। और बोल रहा अनंत तथा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ पे होगा? दर्पण पर ही होगा कि अंदर बाहर होगा? उसी बिंदु पर ही होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव मतलब आंख के बहुत नजदीक होगा कि जो है बहुत दूर। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, उसके नजदीक, अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का जो ध्रुव होगा वो तो दर्पण पर ही होगा कि आगे पीछे होगा? दर्पण पर ही होगा। अगर नजदीक है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, समीप आने पे छोटा, बहुत बड़ा वस्तु होगा, है ना। तो वहां से जब हम दो किरण निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा जब वस्तु हो जाता है तो आंख के साइज के लगभग बराबर या तो बड़ा हो जाता, छोटा नहीं होता किसी भी कीमत पर, ठीक। तो यहाँ पे जब हम ऐसे रखते हैं इसको तो ध्यान देना है, इससे एक किरण निकलेगी, पहली किरण, वो कहाँ गई? इधर गई, देखिए इधर गई ना। इधर जाने के बाद ये परावर्तक सतह से टकराएगी। अब टकराने के बाद अगर पीछे वाला भाग पेंट है तो उसमें घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। जब नहीं घुसेगा तब क्या होगा? ये लौटेगा। अब लौटने का नियम है, जिधर ढलान इसको बढ़िया मिला उधर भाग गया, तो ढलान किधर मिला? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ मिला, है ना। जब ऊपर की तरफ मिला तो ये इधर चला गया, ठीक। फिर इसको हम काल्पनिक रूप से ऐसे ऐसे डाट डाट करके खींच देते हैं कि कौन से बिंदु से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस या कैपिटल एफ, है ना। मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। ये जो हम मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, फिर जो है दूसरा वाला जो हमारा किरण होगा वो निकल के आएगा, तो दूसरा वाला जो है इधर निकला। जब इधर निकल के आया दूसरा वाला किरण, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इधर आया, ठीक। अब इसके लिए जो है देखते हैं कि जब ये इधर से आता तो इसको काल्पनिक तौर पे बढ़ा देते हैं, कौन से बिंदु से होकर गुजरता है? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र की किरण जो होती है उसके लिए एक नियम होता है कि वो किरण जो है जिधर से आएगी उधर से लौट जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक। इस दौरान जो है जब इन दोनों का जो है जो मिलने वाला बिंदु होता है उसको हम देखते हैं वो कहाँ बन रहा है, तो पी और एफ के बीच बन रहा है, है ना। पी और एफ के बीच बन रहा है, ठीक। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पी और एफ के बीच, ठीक ना। पी का मतलब क्या हो जाएगा? ध्रुव। और एफ का मतलब फोकस, मुख्य फोकस, ठीक। अच्छा, ये तो ठीक है। ये जो चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है बड़ा? बड़ा। अरे इतना बड़ा है, इतना छोटा? छोटा बन रहा है ना। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, ठीक। दो हो गया। तीसरा जो है काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक? तो काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक या आभासी, कई नाम इसका, काल्पनिक या आभासी। अच्छा, सीधा बन रहा है कि उल्टा? सीधा बन रहा है। यही इसमें दिखाना है कि ये कैसा बन रहा है सीधा। इसका खोपड़िया ऊपर एक तरफ है ना, और इसका भी खोपड़िया ऊपर एक तरफ है। इसका मतलब ये कैसा है? सीधा है, ठीक ना। कोई दिक्कत? लिखवा दे, लिखिएगा। हाँ, इसको जल्दी जल्दी उतारिए फटाफट। जब किसी उत्तल दर्पण के समक्ष, उत्तल दर्पण के समक्ष वस्तु अनंत तथा, अनंत माने बहुत दूर,
तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो वस्तु से निकलने वाली किरणों में से एक किरण उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह है, पूरा जो अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है परावर्तक सतह है ना, दर्पण के परावर्तक सतह पर जाकर टकराती है, और टकरा कर ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाती है। यदि इस परावर्तित किरण को किरण को काल्पनिक रूप से अपारदर्शी भाग की ओर बढ़ाते हैं भाग की ओर बढ़ाते हैं तो यह किरण मुख्य फोकस से होकर किसके नीचे गुजर जाती है, तो मुख्य अक्ष के निचले भाग में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वही दूसरी किरण वस्तु से निकलने के पश्चात उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है और इसे
परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात काल्पनिक रूप से पालिशदार भाग में आगे बढ़ाने पर यह किरण प्रथम काल्पनिक किरण को काटती हुई एक बार पढ़िएगा एक लाइन जरा काटती हुई वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मान ले रहे हैं कि रियल में काट रहे एक दूसरे को, मान लेते हैं, ठीक ना। जहां पर कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ था, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रथम और द्वितीय किरण का कटान बिंदु, वहीं पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। नंबर एक लिखिएगा सीधा, कामा छोटा, कामा काल्पनिक या आभासी, तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, तो ये जो है इसमें इतना जो है आपका कंफर्म हो गया। एक बार रिपीट कर दें, हाँ एक मिनट लगेगा। देखिए मान लीजिए यह जो है उत्तल दर्पण हो गया, पीछे वाला भाग पालिश है, ठीक है ना, अब फेल अगली वाला पॉलिश नहीं लगा, पेंट लगा है, ठीक आपके लो यार, हाँ हाँ ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बोला कि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो, ठीक ना, तो मतलब बहुत पास की नजदीक, हाँ पास पास बहुत पास, अगर पास होगा एक किरण जो है एकदम से जो है जो दर्पण होगा उसके
किनारे वाली सतह पे जाके टकराएगी कि अंदर आएगी किनारे, क्योंकि जितनी पास होगी वस्तु उसका आकार उतने क्या होगा, बड़ा होगा छोटा, बड़ा होता है जितने वस्तु जो है आपके पास होगी उतने क्या होगा, ये बड़ा होगा। उससे एक किरण निकली तो ये जो है इधर मुड़ गई, कारण पूछा जाए तो ढलान उधर ज्यादा है। अब इसके बाद इसको हम डाट डाट करके बढ़ा देते तो ये कौन से बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस, ठीक। इसके बाद जो दूसरी किरण जो होती है, दूसरी किरण को जब गुजारते हैं तब ये कहाँ आके टकराएगी, परावर्तक सतह पर। और इसको जब काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से, ठीक। और जब ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो कहाँ काटती है, मतलब यफ के बाद की यफ के पहले, यफ के पहले, ठीक। अच्छा, मुख्य अक्ष के ऊपर काटती है नीचे, ऊपर पीछे पड़ चुके हैं कि अगर ऊपर काटती है तो सीधा बनेगा, नीचे काटती है तो उल्टा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर कटान बिंदु बन रहा है नीचे ऊपर, ठीक। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ऊपर अगर कटान बिंदु आ रहा है तो सीधा होगा, और वस्तु इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब जो इसका इमेज वो कैसा है, छोटा है, ठीक। अच्छा, वास्तविक किरण आके एक दूसरे काट रही कि कल्पना किया गया है, तो काल्पनिक किरण काट रही है ना, ठीक। और कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो पी और एफ के बीच, पी माने क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव, और एफ का मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, टाइम क्या हुआ, 50, ठीक। अब रख लीजिए, नहीं गुरु जी।